हिंदुत्व जो है आरएसएस का शब्द है, देश में हिंदुत्व की जगह कोई नहीं है। क्या सूरज बिना गर्मी के हो सकता है? क्या चंद्रमा बिना शीतलता के हो सकता है? क्या सागर बिना लहरों के हो सकता है? क्या नदी बिना प्रवाह के हो सकती है? तो फिर हिंदू बिना हिंदुत्व के कैसे? और राहुल गांधी होते क्यों उन्हें रोज सुबह उठ के हिंदुओं को और हिंदुत्व को गाली देने वाले, जिनके खुद के दादा कब्र में लेटे हुए हैं, जिनकी दादी ने हिंदू से शादी नहीं की, जिनके पिता ने हिंदू से शादी नहीं की, जिनकी बहन ने हिंदू से शादी नहीं की, वो रोज सुबह उठ के हिंदुओं को गाली देंगे? मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को जहाँ वो जाते हैं, जहाँ भी वो दिवाली मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, उसी धर्म और उसी संस्कारों की बात करनी चाहिए, हिंदुत्व पे बात करने का उनका अधिकार नहीं। दिग्विजय सिंह जो है लगातार संघ को लेकर निशाना साधते हैं, अब उन्होंने कहा कि संघ जो है दीमक की तरह है देश के लिए। देखिए, दिग्विजय सिंह को अगर दीमक देखना हो, राष्ट्र को खाने वाला दीमक, भारत माता को चूसने वाला दीमक, तो दिग्विजय सिंह जी को अपना मोबाइल उठाना चाहिए, शीशे के सामने खड़ा होना चाहिए, अपने साथ गांधी परिवार के सभी सदस्यों को भी खड़ा करना चाहिए और एक सेल्फी ले लेनी चाहिए। उस सेल्फी में जो तस्वीर आएगी वो उन दीमकों की तस्वीर होगी जिन्होंने 70 साल इस देश को चूसा है, और दिग्विजय सिंह जिन्होंने 26/11 के हमले को भी हिंदुओं की साजिश बताने के लिए किताब का लोकार्पण किया था, जो कसाब को भी हिंदू साबित करने में लगे थे, ऐसे लोग आज दोबारा से अपने षड्यंत्र में सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी जीवन में संभाली है इस उम्र में, उनको उसका पालन करना चाहिए। हिंदुत्व पे अब उनको बोलने का उनका टाइम खत्म हो गया। हिंदुओं को बड़ा निशाना क्यों बना रहे हैं दिग्विजय? इसके पीछे मंशा क्या लगता? पेट में दर्द। कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह और उनके कांग्रेस पार्टी के सभी बाकी गैंग, इनके पेट में दर्द है कि हिंदुत्व को स्वाभिमान के साथ धारण करने वाला एक प्रधानमंत्री इस देश में कैसे आ गया, भगवा धारण करने वाला एक मुख्यमंत्री इस देश में कैसे आ गया, और उनकी ये पीड़ा, उनका ये दर्द इस जीवन में तो अब ख़त्म होने वाला नहीं है, अंतहीन है उनकी ये पीड़ा और हमेशा चलेगी। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता जो जनादेश देगी वो हिंदुत्व का जनादेश होगा, वो हिंदुओं के स्वाभिमान का जनादेश होगा। जनादेश संविधान के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, उंगली से बटन दबा के, बिना किसी गाली गलौज के हिंदुओं को जो गाली दी जा रही है शिशुपाल बन के, उन गालियों का उत्तर जैसे कृष्ण जी ने अपनी उंगली से दिया था गालियों का उत्तर, ऐसे उत्तर प्रदेश की जनता अपनी उंगलियों से इन सभी गालियों का, इन शिशुपालों को 10 मार्च को मुंह तोड़ जवाब दे। पर तरुण भाई, अखिलेश यादव जो है लगातार ये कह रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी साफ हो जाएगी यूपी से, लगातार ये बयान उनको सामने आ रहे, किस तरीके से? नहीं, मुझे ये लगता है कि अखिलेश यादव जी क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका ये बोलना बनता ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है और जनादेश हिंदुत्व का जनादेश होगा, उत्तर प्रदेश का जनादेश, और यही संकल्प उत्तर